हेलो गाइस, दिस इज करण फ्रॉम पाल ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड है मोटो ब्लॉगिंग से। सो गाइस, डायरेक्ट में स्टार्ट करूंगा। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए हमें हेलमेट पर कैमरा लगाना होता है, जिसके लिए हमारे हेलमेट के लिए एक माउंट आता है जो कि अमेजोन पर मिलता है और बाहर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमेजोन पर वो 500 से 600 के करीब मिलता है। लेकिन गाइस, उसके अंदर जो मोबाइल होल्डर नहीं होता है, वो खाली माउंट होता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह का होता है, मैंने खरीदा था, कुछ इस तरह का ये माउंट होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ वो सिर्फ ये देते हैं, ये सिर्फ ये माउंट देते हैं, ठीक है। जे माउंट होता है, ये देते हैं सिर्फ इसके साथ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का होता है, ये माउंट देते हैं। लेकिन गाइस, इसमें मोबाइल लगाने के लिए जो होल्डर आता है वो उसके साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर वो मोबाइल लगता है, इसको हम लूज करके यहाँ पर इस तरह से वो माउंट जो लगता है वो उसके साथ नहीं देते हैं, ठीक है गाइस। तो उसके लिए आपको ये जो माउंट होता है ये आपको अलग से खरीदना होता है, आपको अलग से परचेज करना होता है। तो ये आपको अमेजोन में 500 से 600 के करीब मिलेगा और ये आपको 300 के करीब मिलता है, अलग से आपको खरीदना पड़ता है। तो ये काफी कॉस्टली हो जाता है, 1900-800 तक हो जाता है अप्रोक्स। तो ये काफी कॉस्टली पड़ जाता है। अब जो शुरू में बिगनर्स हैं, जो बिगनर जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मोटो ब्लॉगिंग, इतना खर्चा नहीं करना चाहते अपनी वीडियोस पर, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में, तो वैसे जरूरी है, ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि जो पहले जो माउंट आता था वो चिपकाने वाला आता था, जो कि एमसील वगैरह से चिपकाते थे, तो वो बेकार होता था, उससे हेलमेट भी खराब होता था और वो काफी जल्दी वो छूट भी जाता था हवा वगैरह से, तो वो बेकार होता था, काफी उससे नुकसान भी होता था, मोबाइल गिर जाता था, कैमरा गिर जाता था। तो ये अब जो ये वाला जो माउंट आया काफी अच्छा है, इसमें स्ट्रैप है तो ये कस जाता है इसके अंदर। तो अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कसता है, कैसे इसको हम अपने मोबाइल पर होल्ड करते हैं। तो ये माउंट आपको ये मोबाइल होल्डर आपको अलग से खरीदना होगा, अमेजोन पर ही मिलता है और बाहर मार्केट में भी आपको मिलता है। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग अगर देखा होगा तो मैं करोलबाग गया था अपने दोस्त की बाइक में एक्सेसरीज वगैरह लगाने के लिए, मेरे को भी कुछ सामान खरीदना था, तो मैंने वहाँ से ये परचेज किया था। ये मेरे को वहाँ पे 600 का मेरे को मिल गया था, ये वहाँ पर दोनों चीज़ मेरे को 600 की मिल गई थी, दोनों देख सकते हैं आप इसके साथ ये पेज, ये हमें मेरे को 600 का मिल गया था, तो काफी अमेजोन से तो काफी सस्ता भी मिला था मेरे को। और बाकी इसको लगाते कैसे हैं ये आपने देखी होंगी, इसके ऊपर वीडियोस काफी, तो मैं लगाकर भी आपको दिखा देता हूँ, फिर भी लगाकर दिखा देता हूँ। और इसका मैं दिखाऊंगा कि इसको लगा के मेरे को कैसा एक्सपीरियंस हुआ, और मैं कहीं गया था, मोटो ब्लॉगिंग की थी मैंने थोड़ी सी, मैं कहीं घूमने गया था, उसका ब्लॉग मैं अपनी वीडियो में डालूंगा आगे। और उसमें मैंने जो वीडियो थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं वो दिखाऊंगा कि ये कितना स्टेबल रहता है और कितना सही है हेलमेट पे लगा के, इतना ज्यादा स्टेबल रहता है और कितना नहीं रहता है। सो गाइस, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना होगा। सो ये है मेरा हेलमेट, ठीक है, और इसमें हम ये वाला जो माउंट है, जे माउंट जो है इसका, ये हम इसमें इसको लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ कैसा है, तो आप मिरर को ओपन करेंगे। अब जैसे कि गाइस, ये मेरा वी शेप है, ठीक है, ये आगे से ना ये वी शेप हेलमेट है, तो इस वाले हेलमेट में काफी दिक्कत होती है इसको लगाने में। मैं आपको फिर भी एक बार लगा के दिखाता हूँ, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला इसको हम यहाँ लेंगे इस तरह से, इसको हम क्रॉस करेंगे, ये वाला लेफ्ट में और ये वाला राइट में। तो पहले हम इसको एक स्ट्रैप को हमें बांधना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए जगह में, ठीक है। तो जो ये है इसको हम खोलेंगे इस तरह से हम इसको खोलेंगे, जो ये वाला जो स्ट्रैप है के अंदर डाल के, तो गाइस ये इस तरह से ऐसे फंस जाता है इस क्लिप के अंदर, और इस क्लिप को फिर जब हम इसको निकालने के बाद हम इसको पहले देखते हैं यहाँ से कि एडजस्ट है पूरा नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हमारा पूरा एडजस्ट हो रखा है, इसको हम जितना टाइट हो सकता है हम उतना टाइट करेंगे, बस मेक श्योर कि आपका ये क्लिप ना टूटे, इतना ज़्यादा टाइट वो कर देना। तो ये हमने काफ़ी इनफ टाइट कर दिया, अब इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लग चुका है, तो अभी इसकी स्टेबिलिटी देख लीजिए गाइस, ये इस तरह से लगता है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से लग चुका है। जो लटके हुए इसके स्ट्रैप, इसको आप अंदर बंद कर सकते, इसके अंदर बंद कर सकते हो, या हेलमेट के अंदर आप डायरेक्ट बंद कर सकते हो। अब इस तरह से जो इसका ये वाला माउंट है, ये वाला माउंट लगता है, तो ये वाला जो माउंट लगता है ये इसके अंदर लगता है, जे माउंट जो है जो इसके होल्डर के अंदर आता है, तो वो कुछ इस तरह से लगता है, इस तरह से लग जाएगा। अब जो ये पेच है ये इसके अंदर इस तरह से टाइट हो जाता है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, तो ये एडजस्टेबल होता है, काफ़ी अच्छा इसमें ये दिया हुआ है। अभी जैसे आपको मोबाइल सीधा रखना है तो ये सीधा रहेगा, ये इस तरह से सीधा रहेगा। अब आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लूज करके, इस पेच को स्क्रू को लूज करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए देख सकते हैं अभी सीधा एकदम,
तो मैं इसको यहाँ से कस दूंगा, इस तरह से ये कस गया, इस तरह से लगता है। और आपको मोबाइल लगाना है तो इसको लूज करेंगे तो ये लूज हो जाएगा, काफी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप मोबाइल लगा सकते हैं, मैं आपको मोबाइल लगा के दिखाता हूँ। अब जैसे ये मेरा दूसरा मोबाइल है तो मैं इसको लगा करके दिखाता हूँ। इसमें ये मेरा पुराना है, पुराना फोन है, तो इसमें आप इसको इसको लूज करेंगे। अब सही है फोन, और थोड़ा लूज करेंगे आराम से आ जाएगा। अब जब ये फोन इस तरह से लग जाएगा तो इसको आप आराम से कस सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो आपका जो सेटअप है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग आपके हेलमेट का थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मोबाइल में भी थोड़ा वेट होता है, 200-300 ग्राम तो होता ही है, तो वो बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा हैवी लगेगा। तो इसमें ये है क्योंकि GoPro जो होता है वो तो काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो ये थोड़ा आपको हैवी लग सकता है। बाकी कुछ इस तरह से इसका सेटअप होता है, इसको आप ऐसे करके लगा सकते हैं हेलमेट पर। और बाकी आपको एडजस्ट करना है, आपको थोड़ा ऊपर करना है, नीचे करना है, तो ये जो पेच है, ये जो पेच आप देख रहे हैं, इस पेच को आप लूज करके इसको लगा सकते हैं। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी सस्ता सेटअप है बिगिनर्स के लिए, और मतलब बिगिनर्स तो फिलहाल ये यूज़ ही करते हैं और कर सकते हैं। जो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि GoPro तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और हाँ गाइस, इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें अगर आप इन फ्यूचर आप GoPro वगैरह लेते हो तो वो GoPro भी इसमें आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि J माउंट ही होता है GoPro में लगाने के लिए, तो सेम इसका माउंट है, तो इसमें आप GoPro भी लगा सकते हो। बस गाइस, इसका एक डिसएडवांटेज मेरे को यही लगा था कि इसका स्ट्रैप ना बार बार ढीला होता है। ठीक है, मतलब सबके साथ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ काफ़ी हो रहा था, तो ये बार बार स्ट्रैप इसका ढीला हो रहा था। तो अभी तो मैंने काफ़ी अच्छे से ये मैंने फिटिंग कर दी है इसकी, लेकिन जब चलते हैं गाड़ी, जब कहीं डीप गड्ढे वगैरह में जब गाड़ी जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे ऑफ रोडिंग पे जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं, तो ये थोड़ा लूज हो ही जाता है। बार बार हम शीशे को हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं देखने के लिए, तो ये काफ़ी लूज हो ही जाता है। बाकी 90% तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं, और मोबाइल वगैरह गिरने का भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। काफ़ी ये जो ऊपर इसका जो पेंच है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सही है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिगिनर्स जो है, बिगिनर मोटो व्लॉगिंग वगैरह जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, तो आप परचेस कर सकते हैं इसको। अमेजोन पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, अगर आप बाहर मार्केट में जाओगे करोल बाग वगैरह में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो चांदनी चौक करोल बाग कहीं पर भी आपको ये आसानी से आपको 500-600 का ये आराम से मिल जाएगा। मेरे को 600 का मिला था, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, आप यूज़ कर सकते हो इसको। बाकी मैं इसकी वीडियो डालूंगा जो मैंने वहाँ पर मोटो व्लॉग की बनाई थी, कि कितना स्टेबल रहता है, कैसा चलता है, तो मैं आपको वीडियो डाल के अपनी इसी वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने अपना ये राइड स्टार्ट करने से पहले अपना हेलमेट पर वो जो माउंट है वो मैंने लगा लिया था। तो गाइस, आप स्टेबिलिटी इसमें देख सकते हो। इस वीडियो में मेरा मोटिव आपको ये दिखाना है कि इस माउंट को लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल एकदम स्टेबल चलता है। बस गाइस, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो बार बार लूज हो रहा था, मतलब कभी कभार एक दो बार हुई, हर बार नहीं हुई। जब मैंने उसको टाइट एकदम टाइट करके लगा दिया तो काफ़ी फिर सही चल रहा था, स्टेबिलिटी आप देख ही सकते हो। और इस पर कोई सा भी आप मोबाइल लगा सकते हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई सा भी हो। मेरे पास आईफोन है तो उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी गाइज, आप इस वीडियो में स्टेबिलिटी देखो, एकदम सीधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने तेज भी चलाया, स्लो भी चलाई थी, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। मेरे आगे जो फ्रेंड्स जा रहे हैं उन्होंने भी यही लगाया हुआ है सेम, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ ही खरीदा था। तो बाकी स्टेबिलिटी आप देख ही सकते हो, ऊपर नीचे आपको जैसे एडजस्ट करना है इसको आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कितना सही है और कितना इसमें जो दिक्कत है, जो मेरे को फील हुई थी, मैंने दिक्कत बता दी आपको। ठीक है गाइस, बाकी आप देख ही सकते हो वीडियो में कितनी स्टेबल चल रही है वीडियो, और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। ऊपर नीचे मैं हर तरफ मैं कर पा रहा हूँ इसको। तो बाकी गाइस, इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। इसके डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि इसका एक नुकसान सिर्फ यही है कि ये थोड़ा लूज हो जाता है एक टाइम पर आने पर। काफ़ी पहले शुरू में आपको ठीक लगेगा, काफ़ी टाइट हो जाता है, कुछ इस तरह से ऐसे बन जाता है टाइट, तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये थोड़ा लूज हो जाता है, तो आपको हो सकता है बार बार आपका मोबाइल नीचे आए, ये लूज हो जाए इस तरह से, तो आपको बार बार एडजस्ट करना पड़े। तो सिर्फ इसका नुकसान यही है बस। तो भाई गाइस, बाकी वैसे तो इससे ठीक है, बिगिनर्स के लिए ठीक है। मैंने भी अभी फिलहाल के लिए यही कहा 600 में अपने, और मेरे पे आईफोन है तो मैं उससे शूट कर लेता हूँ, मेरे को GoPro की भी जरूरत नहीं है। बाकी आगे कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं GoPro भी ले लूँगा, या दूसरे भी और भी चीप कैमरे आते हैं तो मैं वो ले लूँगा। तो फिलहाल के लिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस आप बेल आइकन को जरूर दबा लेना, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और मैं ब्लॉग्स भी डालता हूँ, कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ तो ब्लॉग्स वगैरह भी डालता हूँ, तो वो भी आप लाइक कर सकते हो। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.